सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ भिंडी मसाला दोस्तों अक्सर आप घर में बना के तो खाते हैं लेकिन लोगों का शिकायत रहता है कि लिबलिबा बन जाता है आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ ढाबे पर जैसे बनाते हैं ढाबे वाले कैसा बनाते हैं कि बिल्कुल लिबलिबा नहीं रहता है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है तो आइए हम जान लेते हैं तो देखिए हम भिंडी लेंगे बिल्कुल नरम वाला भिंडी छोटा छोटा साइज़ के भिंडी लेके काट लेंगे पहले भिंडी को धो लीजिए एक घंटा तक धो के किसी टोकरी में रख दीजिए उसके बाद इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए बीच से कट लगाएंगे डंठल काटने के बाद दो भाग कर देंगे ये देखिए बीच से काट लगाएं और पीछे का आगे का दोनों काटेंगे उसके बाद इस तरीके से बीच में इस तरीके से काटने से होता क्या है अंदर तक मसाला जाता है देखिए इस तरीके से काटना है और बीचों बीच इसे रख देना है बहुत आसान है आलू आपकी मर्जी करे तो डालें या ना डालें ये आपकी चॉइस है मैं यहां पे आलू डाल रही हूं एक केजी, जी दो के जी भिंडी है, एक के जी आलू आलू का छिलका उतारने के बाद में इसे हमें काटना है ज़्यादा मोटा हम नहीं काटेंगे आलू क्योंकि हमारा भिंडी बहुत नरम होता है बहुत जल्दी गल जाता है तो उसी हिसाब से हम आलू का भी साइज रखेंगे टमाटर ले, ले लेंगे ढाई ग्राम प्याज ले लेंगे ढाई ग्राम से कम या ढाई ग्राम चलेगा एक चम्मच तीखा वाला मिर्च बड़ा चम्मच से एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच आमचूर पाउडर और आधी चम्मच देगी मिर्च और आधी चम्मच गरम मसाला दो बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट तड़का में जाएगा तेज पत्ता और जीरा तेज पत्ता जीरा जाएगा तड़के में सरसों तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में देखिए सरसों तेल डालने के बाद में हम पहले आलूओं को भून के निकालना है इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपका जो भिंडी है बिल्कुल लिबलिवा नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा सब्जी जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब बनाते हैं लोग घर पे तो उनका शिकायत हमेशा से ही होता है कि हमारा तो भिंडी की सब्ज़ी लिपली बन जाता है लेकिन इस तरीके से बना के देखिए मज़ा आ लिपली बन जाए तो देखिए ये ढाबा पे इस तरीके से अपनाते हैं ढाबे वाले तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं अपने देख रेख में अपने पास सब्जी बना सकते हैं अगर आप ढाबा का खाना पसंद नहीं करते हैं तो तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा तेल और डाल के हम भिंडी को भी भून के इस तरीके से निकाल लेंगे आलूओं पे ब्राउन चित्ती आ गया था तब हम निकाले थे और ऐसे ही हमारा भिंडी पे जब ब्राउन चित्ती आ जाएगा तो हम भून के निकालेंगे इस तरीके से करने से ये जो भिंडी का लिसलिसापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसका सब्जी बनाइए एक भी आपको लिसलिसापन नहीं मिलेगा देखिए अब इसे ठंडा होने दीजिए भिंडी भून लिए हैं अब इसे ठंडा होने देंगे ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है भिंडी के सब्जी बनाते वक्त तो भिंडी मसाला बनाने के लिए देखिए तेल थोड़ा सा और डाली हूं मैं सरसों का और इसमें डाल दिए हैं तड़का तड़का जैसे ही भुन जाएगा हम डालेंगे यहीं पे प्याज ये ढाई सौ ग्राम करीब हम प्याज डाले हैं प्याज को भी अच्छा से भूनना है किसी भी सब्जी में मसाले अच्छा से भूनते हैं तो टेस्टी बनता है आप सभी को पता है तो देखिए प्याज हमारा अभी भून ही रहा है तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अभी भिंडी का सीजन भी आ गया है दोस्तों इस तरीके से बना के खाइए पूड़ी के साथ या रोटी के साथ बहुत मजा आता है पराठे के साथ भी बहुत मजा आता है सबसे पहले हम देगी मिर्च डालते हैं और लाल मिर्च डालते हैं इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा भिंडी मसाला में बहुत ही अच्छा कलर आएगा बिल्कुल हट के आपको देखते ही मन करेगा वाह क्या बना है भिंडी मसाला और कहते नहीं जो दिखता है वो बिकता है तो वही हाल है ढाबे पे हम अच्छे तरीके से बनाएंगे जब भी तो कस्टमर हमारे पास खाने आएंगे तो देखिए इसमें हम टमेटो प्यूरी भी डाल दिए हैं पाउडर मसाला भी डाल दिए हैं और अच्छा से इसे मिक्स करके भूनेंगे थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे मसाला हमारा जलेना और बहुत ही अच्छा रोगन आए ऊपर तक तो देखिए ढक्कन से ढक धक देंगे और भूनेंगे इसे लगातार दो दो तीन तीन मिनट पर खोल खोल के चेक करते रहेंगे जलेना मसाला और भून के कुछ इस तरह से हमें रोगन लाना है देखिए इस तरह से मसाला जब भूनने का एक अलग ही पहचान है जो भून जाता है ना तो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा तो ये उसकी पहचान है बहुत से लोग क्या करते हैं कच्चे मसाला में सब्जियाँ डाल देते हैं तो इस तरीके से ना दोस्तों मज़ा नहीं आता है तो आप इस तरीके से बनाइए देखिए भिंडी डाल दिए आलू डाल दिए और स्वाद अनुसार नमक अब इन सभी चीज़ों को डाल के हमें धीमी आंच पे ही पकाना है आप चाहें तो तरीदार भिंडी बना सकते हैं लेकिन तरीदार भिंडी खाने में मज़ा नहीं आता है सूखी मसालेदार सब्ज़ी भिंडी का खाने में मज़ा आता है तो देखिए हम लगातार इसे चलाते हुए भून लिए हैं और तो थोड़ा सा पानी का छीटा मार दिए हैं कि हमारे अंदर तक भी तो मसाले का फ्लेवर जाना चाहिए भिंडी और और आलूओं में तो बस हल्का सा पानी का छीटा मार के बिल्कुल अब आँच को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे तो देखिए ये बिल्कुल सूखा बनेगा तो फ्लेम हमारा अभी तक हाई मीडियम था अब हम बिल्कुल लो कर देते हैं और ऊपर से धनिया का पत्ता डाल के और ढक धक देंगे ढकने से ना भाप से ऊपर तक पक जाएगा और उसके बाद जो सब्जी का कलर और टेस्ट पूछिए मत लाजवाब जवाब आएगा लीजिए दोस्तों पाँच मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके भी दिखा दी हूँ और देखिए कितना ज़बरदस्त बिल्कुल लेस फ्री कोई लेस लेसलसा नहीं और ये मसाला भिंडी बन के तैयार है वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा